किसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात तिरुपति से आ रही खबर की, जहां पर तिरुपति में प्रसाद का विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके ऊपर घमासान लगातार जारी है। टीडीपी ने जानकारी भी अनुष्ठान की कि अब राज्य के हर मंदिर में लगभग अनुष्ठान किया जाएगा, यज्ञ किया जाएगा, शांति यज्ञ टीडीपी के द्वारा किया जाएगा। प्रसाद में मिलावट की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू का बड़ा आरोप, तिरुपति में मेरे ऊपर हमला हुआ है, प्रसाद चढ़ाते वक्त ये हमला हुआ था, चमत्कार था कि भगवान ने मुझे बचा लिया। तो ये बड़ी जानकारी, तिरुपति प्रसाद विवाद से जुड़ी हुई, मंदिर की पवित्रता के लिए टीडीपी का खास अनुष्ठान, मंदिर की यज्ञशाला में शांति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए सबके बीच में यज्ञशाला में शांति यज्ञ का आयोजन कराया जाएगा। यज्ञशाला में संप्रोक्षण, शांति होम और पवित्रोत्सव का जाप। पर तिरुपति में प्रसाद का विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके ऊपर घमासान लगातार जारी है। टीडीपी ने जानकारी भी अनुष्ठान की कि अब राज्य के हर मंदिर में लगभग अनुष्ठान किया जाएगा, यज्ञ किया जाएगा, शांति यज्ञ टीडीपी के द्वारा किया जाएगा। प्रसाद में मिलावट की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू का बड़ा आरोप, तिरुपति में मेरे ऊपर हमला हुआ है, प्रसाद चढ़ाते वक्त ये हमला हुआ था, चमत्कार था कि भगवान ने मुझे बचा लिया। तो ये बड़ी जानकारी, तिरुपति प्रसाद विवाद से जुड़ी हुई, मंदिर की पवित्रता के लिए टीडीपी का खास अनुष्ठान, मंदिर की यज्ञशाला में शांति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए सबके बीच में यज्ञशाला में शांति यज्ञ का आयोजन कराया जाएगा। यज्ञशाला में संप्रोक्षण, शांति होम और पवित्रोत्सव का जाप।